हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हियर माई सेल्फ मंजेश कुमार. आई एम गोइंग टू टीच योर केमिस्ट्री. चलिए बहुत देखते हैं. आजकल हम लोग यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ठीक है ना. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट. देखो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. इसका लेक्चर नंबर 01, ठीक है ना. लेक्चर नंबर 1 ही चल रहा था, जिसका पार्ट भी, इट मे बी द लास्ट लेक्चर. आज का लेक्चर लास्ट होगा यह लेक्चर नंबर 1 का. फिर कल से हम लोग लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है ना. लेक्चर नंबर 2 में फिर नया नया टॉपिक आएगा, ठीक है ना. उसमें बहुत सारा, उसमें लेक्चर नंबर 2 से कैलकुलेशन आपके शुरू हो जाएंगे, होमवर्क मिलना शुरू हो जाएंगे. जितने भी डेफिनेशन आपको याद करना होगा, आपको समझना होगा. याद करने से अच्छा समझ लीजिए इसको, डेफिनेशन. पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना, वो मैटर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, फिजिकल केमिकल का डेफिनेशन देख चुके थे, उनको समझे थे. फिर हम लोग देखे थे वो एलिमेंट का डेफिनेशन देख चुके थे, कंपाउंड का देख चुके थे और मॉलिक्यूल का देख चुके थे. इतना हमारे पास सब चीज़, हमारे पास क्लेरिफिकेशन मिल चुका था. आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारे पास मेनली एलिमेंट अभी क्लियर करेंगे. उसके बाद हम लोग वो कंपाउंड देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंपाउंड में. फिर देखेंगे हम लोग मिक्सचर कितने तरह का होता है. ये तीन टॉपिक आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा. इट मे बी चलिए वो देखते हैं. मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 है, पार्ट नंबर डी है, मतलब 4 लेक्चर इस पे लेक्चर नंबर 1 पे आया. देखो, वह सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एलिमेंट एलिमेंट होता क्या है, ठीक है ना. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ये एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना. एलिमेंट्स, अब देखो बुआ, जैसे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस. मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्योरेस्ट सब्सटेंस. जब वहां पे डेफिनेशन देखोगे, तो टेबल जो बनाते हैं, एलिमेंट आर द प्योरेस्ट सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो केवल एक ही तरह के सब्सटेंस से बने होते हैं. जैसे कि अगर बात करते हैं बुआ, अगर मान लेते हैं हम एक यहाँ पर क्या लेते हैं बुआ, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, चलो मैं ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन एयर ले लो, ऑक्सीजन 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 ले लेते, ठीक है. तो चाहे ऑक्सीजन तो बोला होता है, दिक्कत हो जाएगा फिर. चाहे मान लो, तो हम लोग मैग्नीशियम का मेटल ले लेते हैं. किसका ले लेते हैं? मैग्नीशियम का. तो इसमें जो एटम जो तुमको मिलेगा, वो प्रत्येक एटम को किस चीज का मिलेगा? मैग्नीशियम का मिलेगा. किसका मिलेगा होगा? मैग्नीशियम का मिलेगा. ये भी Mg का होगा, 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 ये भी तुम्हारा क्या होगा? Mg का होगा. ये भी आपका क्या होगा? Mg का होगा. ये भी 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 Mg होगा होगा. अब देखो भाई, इसमें एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है ना. द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सब्सटेंस एक ही तरह के पार्टिकल के बने हो, उसे क्या कहते हैं वो हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट बोलते हैं. और प्योरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना. अब देखो बुआ, ये हमको बेसिक डेफिनेशन था. अब ये जो एलिमेंट जो है, जितने ये जो है, ये तो पूरा को हम क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से देखो, ये पूरा को हम लोग क्या बोले? एलिमेंट बोले. समझ में आया ना. ये बहुत सारे इसमें बाइंडिंग फोर्स भी होते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखने वाला, ठीक है ना. अब देखो, ये जो सिंगल जो बना, ये जो सिंगल जो इंडिविजुअल दिख रहा है तुमको, हमने इसको जूम किया, ये एक्चुअली क्या है? एटम है. ये क्या है? एटम है. तो तुम एलिमेंट को बोल सकते हो, एलिमेंट आर द कम्बिनेशन ऑफ एटम. मतलब कि जो बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं? तुम्हारा एलिमेंट बनाते हैं. तो अब देखो होगा, जितने तरह के एलिमेंट होंगे, उतने ही तरह के एटम होंगे, ठीक है ना. इसका मतलब समझो, अगर मान लो एक समय था जहाँ पर 114 एलिमेंट्स डिस्कवर थे. कितने एलिमेंट्स थे? एलिमेंट्स डिस्कवर थे. तो इसका मतलब हुआ 114, ठीक है ना, 114 टाइप्स ऑफ एटम्स भी होंगे. समझ में आया ना बात? मतलब अब देखो, ये इतने तरह के एलिमेंट है, तो इतने तरह के एटम भी होंगे. आज का डेट बताते हैं, मतलब लेटेस्ट 2020 की बात करते हैं, तो 118 एलिमेंट्स है. तो इसका मतलब ये होता है बउआ, 118, मतलब 118 एटम्स आपको पाए जाते हैं. यह कॉन्सेप्ट समझो, समझ में आया ना. जितने तरह के एलिमेंट, मतलब ये अगर मान लो ये जो सेम होगा, उसी से तो इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसको एक एलिमेंट बोलेंगे. जैसे कि मैग्नीशियम का एलिमेंट है, तो मतलब इसमें के अंदर केवल मैग्नीशियम का एटम होगा. मतलब आज ये फंडामेंटल समझे क्या? अगर 118 एलिमेंट, मतलब 118 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, तो 118 टाइप्स ऑफ एटम्स भी होंगे. यही बात है, समझ में आया ना बात. तो ये याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है. अगर पूछते हैं एटम्स कितने तरह के होते हैं, तो बहुत ऊंचा कंफ्यूजन होता है. तो इसलिए 118 टाइप्स के एटम है, तो 118 टाइप्स से क्या होंगे? आपके एलिमेंट भी हो जाएंगे. तो अब देखो बुआ, हमको एक्चुअली में 2004 हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान देखोगे. अब ये जो 114 टाइप्स का जो एलिमेंट है, या 118 टाइप्स का जो एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, तीन भाग में बांटा गया है. मेटल में देखो, यहाँ पे मेटल में बांटा गया, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में, ठीक है ना. इनके प्रॉपर्टीज के आधार पर, इनके गुण के आधार पर, इनके मतलब क्या कहते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इनको तीन भाग में बांटा गया है. मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. याद रखिएगा, मेटल नॉन मेटल ये सब पढ़ चुके, फिर भी एक बार रिविजन करवा देते हैं. देखो मेटल क्या होता है? मेटल इज द एलिमेंट विच हैज द प्रॉपर्टी लाइक मेलियबिलिटी. देखो मेलियबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन ऑफ हीट और सोनोरिटी, बहुत भी होते हैं. एटलीस्ट तीन हमने लिया है, ठीक है ना. तो अब देखो होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा एरो अच्छा कर लेते हैं.
ये प्रॉपर्टी, एटलीस्ट ये तीन प्रॉपर्टी को हम कंसिडर किए। तो जिन 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 एलिमेंट में, सॉरी यहाँ पर, हाँ देखो मेटल एलिमेंट मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो, जिन एलिमेंट में ये सब प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, ये सब प्रॉपर्टी अगर पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटल। जैसे डक्टिलिटी होगा, कुछ प्रॉपर्टी का नाम बताते हैं, डक्टिलिटी हो गया। डक्टिलिटी क्या होता है, होगा उसमें से वायर को हम निकाल सके, ठीक है ना, वो बिना टूटे वायर निकल जाए। उसके बाद क्या होता है, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी होता है, उसको हैमर से पीट पीट के पतला सीट बना दिया जाता है, जैसे गोल्ड फॉइल हो गया। उसके बाद इसे ये सब टॉपिक आप पढ़ चुके होंगे पहले ही, ठीक है, कंडक्टिविटी का, सभी कंडक्टर हो। तो अब देखो ये सारे चीज क्या होते हैं, तो ये इनमें सबसे मेटल होते हैं, वो सब चीजों क्या कहते हैं, मेटल। मतलब वो एलिमेंट जिसमें ये प्रॉपर्टी को रखता है वो क्या होते हैं, मेटल। स्पेशली हम मॉडर्न जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो एलिमेंट, याद रखोगे, जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो एलिमेंट हम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग मेटल। क्या बोलते हैं वो हम लोग, मेटल बोलते हैं। दोज एलिमेंट्स विच लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट वन आर कॉल्ड एज मेटल, जो जनरल है, ठीक है ना, इसमें भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं इसमें भी, लेकिन याद रखोगे जनरली ये। तो अब देखो दोनों में, ये हम लोग 8th से ही पढ़ते थे, 6th 7th में पढ़ते थे, अभी हमारे 11th 12th में अब ये हमें जरूरत पड़ेगा। देखो वो अब ये जो एग्जांपल क्या होगा, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या होगा, मेटल के एग्जांपल होंगे। सोडियम, पोटासियम भी है, हुआ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब भी है, ये सारे एग्जांपल किसके होंगे, आपको मेटल के होंगे। नॉन मेटल जस्ट इसी का वो प्रॉपर्टी जो इन प्रॉपर्टी को नहीं रखता हो। देखो मैं, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट व्हिच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टीज लाइक मैलेबिलिटी नहीं रखता हो, मैलेबिलिटी उसमें प्रॉपर्टी नहीं हो, डक्टिलिटी नहीं हो, कंडक्टिविटी, मतलब उससे हम क्या करते, सीट नहीं बना सकते हैं। ऑक्सीजन का फॉइल, ऑक्सीजन का सीट कभी देखे नहीं, देखे होगे उस, वो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का वायर देखे हो कभी, नहीं देखे होगे। कंडक्शन, ऑक्सीजन कंडक्शन करता है, नहीं करता, तो ये सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल के हो जाएंगे। उसका देखो मेटलॉइड कितने होते हैं ना, मेटलॉइड देखो, मेटलॉइड कुछ डिफरेंट है। मेटलॉइड क्या होता है ना, कुछ प्रॉपर्टी इसका रख ले, मतलब बीच वाला है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी इसका रख ले, कुछ प्रॉपर्टी इसका रख लेते हैं। मेटलॉइड इज एन एलिमेंट व्हिच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टी उसका मेटल का है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, तो हम क्या बोलते हैं, वो मेटलॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, बोरन, सिल्कन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, समझ में आया इतना तक। अब देखो अभी कुछ चार ऐसे एलिमेंट है जिन पे डिस्कवरी मतलब कंफर्म रिपोर्ट नहीं आया है, और इसमें भी हो सकता है तो आ भी गया हो। तो अभी देखो हमारे पास एक्चुअली में, जब हमारे पास 114 एलिमेंट थे, याद रखो बुआ, हमारे पास 114 एलिमेंट्स थे, इसको देखो बुआ, तो इसमें से सबसे ज्यादा तीन भाग में बांटे हैं, कितने भाग में बांटे, तीन भाग में। तो सबसे पहले जो था हुआ, तुमको 91 मेटल्स मिला, इसमें कितना था, 91 को तुमको क्या है, मेटल है, ठीक है ना। उसके बाद 17 तुमको क्या गया, वो नॉन मेटल है, 17 क्या है तुमको, नॉन, नॉन, NONE, नॉन मेटल्स है, समझ में आया ना। कहीं कहीं देखो हर जगह इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, ये तब बता रहे थे 114 है, अब यहाँ पर शायद 22 हो गया, कंफर्म नहीं है, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको डाटा। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हुआ, सिक्स, कितना हुआ, सिक्स मेटलॉइड है, सिक्स क्या है, मेटलॉइड्स है। अब देखो भाई यही है आपका मिशन, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 114 आई थिंक आ जाना चाहिए, ठीक है ना, 7 + 8 = 16, और यहाँ पे क्या होगा हुआ, 19, 11, हाँ आ जाएगा। तो अब देखो ये 114 टाइप्स का एलिमेंट, अभी शायद यहाँ पर 22 कर दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर 22 मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 22, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 + 5 हो जाएगा ना, और इसमें थोड़ा सा मतलब यहाँ पे 22 या 21 यहाँ पर कर दिया गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपना डाटा। तो ये है आपको, हमें कोई 91 मतलब अप्रोक्सीमेशन, सबसे ज्यादा क्या मेटल, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास, नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड हो जाता है। अब देखो मेटलॉइड का एग्जांपल बता दिया, नॉन मेटल का एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। चलिए बोल, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कंपाउंड, ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट में कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड क्या होता है, देखो कंपाउंड क्या होता है ना, कंपाउंड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो सारे डेफिनेशन कंप्लीट है। अब देखो हम लोग देखते हैं क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो ऑर्गन, ठीक है ना, ऑर्गन मतलब किसी ऑर्गन से निकला हो, लिविंग बींग से निकला हो, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तो वहाँ पर फिर इसका पूरा लंबा सा इतिहास बताएंगे। अभी देखो अभी केवल डेफिनेशन पढ़ना, द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, जो कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि अगर मान लो वो CO2, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, तो इन एक्सेप्शन नहीं, क्यों नहीं होते, क्योंकि वही इसको हम इनऑर्गेनिकली, इसमें इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना, जिसे इनऑर्गेनिक में डाला गया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग 10th पढ़े होंगे तो वहां पर बताया गया होगा। तो जो मेनली हम बोल सकते हैं, जो कार्बन का कंपाउंड होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन के ही होते हैं टोटल कंपाउंड में से। अब देखो इनके एग्जांपल में देखो, यहाँ पे क्या होगा, C2H5C OH एसिटिक एसिड हो गया, देखो हुआ यहाँ पे C2H5OH मतलब क्या होगा, वो यहाँ पर इथेनॉल हो गया, यहाँ पे क्या होगा, मिथेनॉल हो गया, और इसमें क्या होगा, इसमें इथाइल एस्टर हो गया, ठीक है ना, या बोल सकते हो क्या,
इसको इथाइल एसीटेट बोल सकते हो। तो ये सारे जो कंपाउंड हो गए ना, ये सब में कार्बन, देखो कार्बन है, एटलीस्ट कार्बन है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, मतलब सब चीज हो सकता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, फास्फोरस भी हो सकता है, लेकिन मेनली कार्बन, देखो कार्बन की संख्या सब में है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कॉमन सब में आ जाएगा और इनकी कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कार्बन, ठीक है ना, ये याद रखोगे। कार्बन कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, वो जो कार्बन से नहीं बना मेनली, लेकिन इनके भी एक्सेप्शन में क्या हो गया, CO2 का जाएंगे, फिर इसका डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। द कंपाउंड व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो ये अर्थ का जो क्रस्ट है, अगर मान लो ये अर्थ जो है इसका ऊपर पहला लेयर जो होता है ना, वो लेयर जो पहले दिखती है, जो सर्फेस होता है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ क्रस्ट से जो हम मिनरल्स में से जो हम कंपाउंड निकालते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे H2SO4, HNO3, ठीक है ना, इस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा फॉस्फोरिक एसिड, मतलब H3PO4 हो जाएगा, H3PO3 हो सकता है, फॉस्फोरिक H3PO4 लिख लो, फिर क्या लिख सकते हो, H3PO3 लिख सकते हो, एक्सेट्रा आप कर दो, ठीक है ना। ये जितने भी कंपाउंड जो आपको दिख रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखो इनका क्लासिफिकेशन, कंपाउंड को हम एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं बांट सकते हैं, कंपाउंड को देखो, वो कंपाउंड को हम बहुत अलग भी तरीके से ही बांट सकते हैं। जैसे कंपाउंड की जब बात करेंगे बुआ, तो अब देखो एक में क्या हो जाएगा, एसिड वाला हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा बुआ, बेस की तरह भी बांट सकते हैं, और तीसरा में क्या हो जाएगा बुआ, तुम्हारा सॉल्ट की तरह भी बांट सकते हैं। तो एसिड क्या होगा, जो H+ देगा, बेस क्या होगा, जो OH- देगा, और सॉल्ट क्या देगा, न्यूट्रल है, मतलब इसमें कुछ नहीं देगा, ठीक है ना, मतलब ये न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल होता है मतलब मेनली। तो ये जो होगा ना कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, सॉल्ट्स के बारे में लोग पढ़ेंगे, जिसमें चार्ज होता है, आयंस होता है, ये बोल सकते हो, एसिड और बेस के मिलने के बाद जो कंपाउंड होता है सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। अभी आप कुछ इसको नोट करिए, फिर हम लोग एक मिक्सचर पढ़ेंगे। चलिए बोल, अब देखते हैं मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर कितने तरह का होता है। देखो मिक्सचर लास्ट टॉपिक है जो हम लोग देखे थे ना, वहां पर इम्प्योर सब्सटेंस, तो इम्प्योर सब्सटेंस का जो डेरिवेशन आया था तो मिक्सचर आया था। तो देखो अब मिक्सचर जो था हेटरोजेनस मिक्सचर था, हेटरोजेनस मिक्सचर था, होमोजेनस मिक्सचर था, ठीक है ना। अब हम वहां पे भी बताए थे बाबा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, होमो का मतलब क्या होगा, जिसका फेज सेम हो, हेटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेटरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जिसका फेज क्या हो, डिफरेंट हो। ये फेज क्या होता है हम बताते हैं तुमको, ठीक है ना। अभी सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। हुआ देखो, हुआ द मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का समूह होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट इन एनी रेशियो, इसमें ये फिक्स नहीं होता है, रेशियो फिक्स रखना है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम 100, मतलब 1 लीटर में तुम 1 ग्राम चीनी मिला दो, 2 ग्राम मिला दो, 3 मिला दो, 45 मिला दो, कुछ भी मिला सकते हो, ठीक है ना, ये डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं होता, लेकिन कंपाउंड जब बनता है तो उसमें रेशियो फिक्स होता है उसके मास का, इसी तो याद रखिएगा। तो अब देखो वो किसी रेशियो में मिला तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे दाल मोठ का मिक्सचर देखे होगे, बहुत सारी चीज का मिक्सचर देखे होगे, लेकिन हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड केमिस्ट्री वाला एग्जांपल लेते हैं, वो शुगर सॉल्यूशन एग्जांपल में, वो शुगर सॉल्यूशन हो गया, जो शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है, शुगर प्लस वाटर मिलकर शुगर सॉल्यूशन बनता होगा, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, जब चीनी को और सैंड को मतलब दोनों को मिक्सर कर दोगे तो क्या, मिक्सर ऑफ सैंड एंड शुगर, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज प्लस वाटर कर दोगे तो क्या, ग्लूकोज सॉल्यूशन गया। तो ये मिक्सचर होता है, ठीक है ना, मतलब किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो तो वो तुम्हारा क्या बनता है, वो मिक्सचर बनता है। अब ये मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस और हेटरोजेनस। वो देखो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, देखो अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर, मतलब जिसमें भी उसको घुला रहे हैं, या एक या दो या तीन सब्सटेंस को जब घुला रहे हैं, उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जब उसको मिक्स जब करेंगे तो वो सारे कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए, कंप्लीटली मिक्स कर देना चाहिए, ठीक है ना। एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म, जब मिक्स करने के बाद उसका कंपोजिशन पूरा सेम हो रहा है। कंपोजिशन कहने का मतलब समझो बुआ, अगर मान लो लेट अस सपोज दैट दिस इज वाटर, अगर ये पानी है ही एक्चुअली में, ये वाटर है, इसमें हम मान लो कोई अगर शुगर को डाल दिए, तो अगर मान लो अगर शुगर जब डिजोल्व कर जाएगा, देखो डिजोल्व करने के बाद की बात करें, डिजोल्व कर जाएगा तो जितना जितना स्वीटनेस यहाँ पे इस पोर्शन पे रहेगा, उतना ही स्वीटनेस इस पोर्शन पे भी रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता हुआ, जो नीचे स्वीटनेस ज्यादा होगा ऊपर कम होगा, ये गलत सोच है, बहुत लोग सोचते हैं ऐसा, ठीक है ना, लेकिन केमिस्ट्री में याद रखो जितना ऊपर रहेगा उतना ही। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको क्या बोलते हुआ, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो देखो भाई यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फेज, फेज मतलब क्या हुआ, देखो फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर मान लो जहां तक वाटर दिख रहा है इसको एक फेज बोलेंगे, वाटर के बाद ऊपर में एयर दिख रहा है दूसरा फेज हो गया, समझ में आ रहा। तो फेज क्या होता है ना, एक खास रीजन जहां पे कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेज।
अब देखो होगा तो वो यूनिफॉर्म फेज में है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाटर को शुगर मिला दो, तो उसमें देखो वाटर को जब शुगर मिला होगा तो वो देखो जो स्वीटनेस होगा वो पूरे जहां तक वाटर आएगा वहां तक रहेगा। सॉल्ट में भी वो सॉल्ट को वाटर मिला दो क्या सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा, ग्लूकोज प्लस वाटर मिला दो क्या ग्लूकोज सोल्यूशन बनेगा। अब देखो ये हमारा क्या होता है, देखो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिले हो कम्प्लीटली घुल जाए और वो पूरे में फैल जाए इक्वली, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग सोल्यूशन कहते हैं हिंदी में। अब देखो हम लोग हेटरोजेनस मिक्सचर क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ना द मिक्सचर वी द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। देखो हुआ डू नॉट द कंपोनेंट द मिक्सचर इन विच कंपोनेंट डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, यहां पे क्या लिख दोगे मिक्स, ठीक है ना, या मिक्स लगा दो, अच्छा डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, ठीक है ना, सॉरी 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 लिखे ही हुए का डू नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, ठीक है ना, जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स ना करें। और इट्स कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन होगा जो जिससे जब बना हो कंपोजिशन होगा हर पार्टिकल से बना होगा, इज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फेज, मतलब पूरे फेज में नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे अब एग्जांपल देखोगे, अगर मान लो हुआ इस बोतल में अगर हम सैंड मिला दे, तो सैंड मिला दोगे तो सैंड आके नीचे बैठ जाएगा, 2 घंटे के बाद भी देखोगे तो सैंड नीचे ही बैठा रहेगा, तो सैंड का एक फेज हो जाएगा ऊपर का दूसरा फेज, तो वो फेज को अलग अलग सेपरेट करने रहेगा। ऐसा नहीं जितना सैंड ऊपर मिलेगा उतना ही सैंड वो नीचे मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम हेटरोजेनस मिक्सर, क्योंकि वो फेज को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, मतलब फेज सेम हो। अब देखो हुआ एक चीज इसमें जो कॉन्सेप्ट में यही एक्चुअली पढ़ना था, यही दोनों है, ये तो हमने डेफिनेशन देखा। तो देखो हुआ आगे चल के ये जो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है यही बनता है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, क्या बनता है हुआ तुम्हारे पास, यही होमोजेनस बन जाता है तुम्हारे पास SOLUTI 12th में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और ये एक्चुअली में सॉल्यूशन बन जाता है, और ये क्या बन जाता है हुआ सस्पेंशन, जब इसको पूरा मिक्स कर देंगे ग्रेनिंग में तो ये क्या बनता है SUSPEN, ठीक है ना, सस्पेंशन, ये क्या बन जाता है तुम्हारा सस्पेंशन, ये क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो ये सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं ये ट्रू सॉल्यूशन, क्या होता है ना ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या बन जाता है तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, तो क्या बन जाता है सस्पेंशन। अब देखो वह एक चीज होता है ना, जब तो हम मिक्सचर की जब बात करते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छा से एक चीज को बताना पड़ेगा यहाँ पे। देखो सॉल्यूशन सस्पेंशन को थोड़ा सा डिफाइन, पहले हेट्रो होमो को एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो मान लेते हैं एक हम यहाँ पर देखो हम एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है बुआ, फिर यहाँ पर भी एक और बीकर ले लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलोगे। इसमें क्या मिला देते हैं बुआ, देखो शुगर, ठीक है ना, शुगर प्लस वाटर मिला देते हैं, ठीक है बुआ, इसमें मिलते सैंड प्लस वाटर मिला देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब शुगर प्लस वाटर मिला दोगे तो देखो अब जब मिलाने के बाद हम उसको क्या करते हैं जूम करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं जूम करके देखते हैं, इस बीकर को थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहिए। चलो अब इसको जब जूम करके देखो तो इसके जो पार्टिकल जो होंगे, देखो यहाँ पर हम पार्टिकल, ये जो ब्लैक कलर का जो होगा ना वो वाटर का पार्टिकल होगा, ब्लैक कलर किसका पार्टिकल होगा, होगा वाटर का पार्टिकल, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, समझ में आया होगा। अब देखो ये हुआ, एक और बना देते हैं, ठीक है चलो। अब देखो होगा जब एक्चुअली में ध्यान से देखते चलोगे, जब वाटर, अब इसमें शुगर को डाले, किसको डाले हुआ हम लोग, इसमें हम लोग डालते हैं शुगर को, और उसके बाद देखते हैं ये कैसा दिखता है। अब देखो जो शुगर, देखो यहाँ पर अगर शुगर का मॉलिक्यूल देखोगे ध्यान से देखते चलोगे, तो एक जो ग्रेन्यूल जो होता है, ग्रेन्यूल मतलब एक जो दाना जो होता है वो इस प्रकार से क्यूब का शेप में दिखता है, कैसा शेप में दिखता है, क्यूब का शेप में दिखता है, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच होते हैं, ठीक है ना, वो अटैच होते हैं। जब इसको तुम डिजोल्व करोगे, जब पानी में इसको मिलाओगे, तो पानी में क्या होता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो उसमें से क्या होता है, ये डाइपोल नेचर भी बोल सकते हो, डाइपोल नेचर का क्या होता है ना, ये पार्टिकल्स अब यहाँ से धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और ये ऊपर की ओर निकलते चले जाएंगे, यही हो। देखो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रैन्यूल, इसको क्या बोलेंगे ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल का मतलब क्या होता है वो दाना, अब ये जो होगा यानी ये मॉलिक्यूल, ये सब क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल जब इसमें से निकला, ध्यान सुनोगे, डिजॉल्व जब हो जाएगा तो मॉलिक्यूल इसमें से निकलेगा, वो मॉलिक्यूल इस सब स्पेस में जाके क्या करेगा ना बैठ जाएगा, ये सब स्पेस में जाके क्या करेगा वो बैठ जाएगा, ये सब क्या करेगा स्पेस में जाकर बैठ जाएगा। जब बैठ जाएगा तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर पाया, क्या नहीं कर पाया ना, मतलब एक खास अमाउंट ऑफ तुम शुगर को डालोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन एक्सेस डाल दोगे तो वो तो इंक्रीज तो करेगा, तो इसमें खास अमाउंट देखो, तो अगर मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम भी डालोगे तो एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है ना तुम, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डालोगे तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए बोलते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पर याद रखोगे इसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं आता है शुगर के पार्टिकल डालने पे, जब लेस अमाउंट में डालेंगे तो। अब ये देखो इसका जो हुआ, ये देखो हर जगह अगर मान लो होगा यहाँ पर इसको यहाँ पर जूम करके देखते हैं, यहाँ पर ये जो है ये वाला पोर्सन को अगर मान लो हम यूनिट एरिया को जूम करके देखेंगे, यहाँ पर भी जूम करके देखोगे, यहाँ पर भी जूम करके देखोगे, इतना का टेस्ट करके देखोगे, तो सब जगह स्वीटनेस सेम रहेगा, सब जगह स्वीटनेस सेम रहेगा ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग होमोजेनस। एक्चुअली में क्या होता है होमोजेनस, ये होता है
होमोजेनस सॉल्यूशन, समझ में आया? हमने एक का एग्जांपल लेके बताया। और देखो हेटरोजेनस में क्या होता है ना, देखो ये याद रखना दोनों केस में, ये ब्लैक वाला क्या है हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, ब्लैक वाला क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और यहाँ पर रेड वाला जो है वो तुम्हारा सॉल्यूट है, रेड वाला क्या है तुम्हारा सॉल्यूट है, जिस चीज को डिजोल्व किए, जिस चीज को क्या किया, इसमें क्या होगा, इसमें शुगर हो जाएगा, उसमें हम लोग सैंड देखते हैं। तो अब देखो इसको जब जूम करके देखते हैं हुआ, ठीक है ना, इसको देखो, इसको जूम करके देखते हैं मॉलिक्यूल को, दिख रहा होगा आप लोगों को बढ़िया सा। चलो इसको जब हम मॉलिक्यूल को हम लोग इसको जूम करके देखते हैं, तो अब इसमें देखोगे बुआ एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तुमको समझ में आएगा। एक्चुअली में जो सैंड का जो पार्टिकल जो दिखा, देखो अगर मान लो सैंड का जो सैंड जो होगा ना नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, तो हम एक जूम करके बता रहे, ठीक है ना, यहाँ पर ये इतना ऐसे 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 बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है ना, ये ऐसे बैठ जाता है। देखो ये सब सैंड है, ठीक है ना, मान लेते हैं उसका अगर एक पार्टिकल देखोगे तो वो मान लेते हैं स्फेरिकल होगा, ठीक है ना, तो उसका स्फेरिकल जो पार्टिकल होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं, इसके भी मॉलिक्यूल होंगे सैंड का भी, ठीक है ना, जैसे सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एचिंग होता है। तो अब देखो बुआ ये जो पार्टिकल जो दिखता है ना, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला एक बार चेक कर लीजिए बुआ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैंड, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल होता है ना, ये डिसोसिएट नहीं होता है मॉलिक्यूल से, क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता, मतलब टूटता नहीं है। एक एक अगर सैंड का ग्रेन्यूल लेते हैं, एक दाना लेते हैं, उसको देखते हैं तो पानी में डालते, नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि इसके अंदर जो तो इसको बांध के रखा है ना फोर्स, वो पानी के जो फोर्स निकालने वाला होता है ना, पानी का फोर्स जो होता है ना, उससे वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। सिंपल सी बात है ना, वाटर का जो लैटिस एनर्जी, ये इसका जो लैटिस एनर्जी जो है ये बहुत ज्यादा होता है, पानी का जो मॉलिक्यूल है इसको नहीं तोड़ सकता, इसलिए क्या करता है वो डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, बहुत टेम्परेचर चाहिए उसको डिसोसिएट होने के। ये क्या बना देखो बुआ, एक्चुअली में देखो एक फेज यहाँ पर दिखे तुमको फेज वन, ये तुम्हारा क्या लिखा फेज वन एक ही तरफ है, दूसरा में क्या होगा वो फेज टू, तो ये क्या होगा ऊपर में कुछ और मिलेगा तुमको, यहाँ का यहाँ को अगर जूम करके देखो तो कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, तो इसी को बोलते हैं हेट्रोजेनस। क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका खत्म हुआ लेक्चर, अब फ्रॉम कल मतलब फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना, दैट्स ऑल, थैंक यू बहुत।